सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म कैसे फिल करें गाइज अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोल के रखे हो और किसी भी कारण बैंक वाले आपसे केवाईसी करने के लिए मांग रहा है तो उसका जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म को कैसे फिल करे और इस फॉर्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा आपका जितना भी डाउट है सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो गाइस चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस ये जो फॉर्म है फॉर्म कुछ इस तरह का है आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा अपडेशन फॉर्म अंडर के ओसी कंप्लीजेंस ये जो फॉर्म है आपको बैंक में मिल जाएगा तो आप इस फॉर्म को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आता है यहाँ पे नेम तो आपका जो नेम है बैंक में आप जो नाम दिए हो उस नाम को यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देना है और मिस्टर मिसेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट आता है यहाँ पे फादर्स या फिर हस्बैंड्स नेम आपका फादर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है अगर आप एक शादीशुदा औरत है तो आपका हस्बैंड्स का नाम यहाँ पर डाल देना है नेक्स्ट आता है यहाँ पे कस्टमर आईडी तो आपका जो कस्टमर आईडी है वो आपको कहाँ मिलेगा बैंक की तरफ से आपको जो पासबुक दिया गया है उसका फ्रंट पेज में आपको वहाँ पे कस्टमर आईडी मिल जाएगा उस कस्टमर आईडी को यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है नेक्स्ट आता है यहाँ पे अकाउंट नंबर तो आपका थर्टीन डिजिट का जो अकाउंट नंबर है पासबुक में आपको मिल जाएगा आसानी से वहाँ से देख के आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है तो मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क रख दिया हूँ यूट्यूब का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं यहाँ पे जो क्रॉस मार्क रख दिया हूँ लेकिन आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पूरा लिख देना है जो कि तेरह डिजिट का रहता है उसके बाद आता है मेलिंग एड्रेस तो आपका जो मेलिंग एड्रेस है यानी आपका जो करंट एड्रेस है फिलहाल आप जहाँ रहते हो उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है तो एड्रेस में आप क्या क्या डालेंगे यहाँ पे है विलेज अगर आप टाउन में रहते हो तो टाउन का नाम डालेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ डालेंगे पुलिस स्टेशन यहाँ पर डालेंगे उसके बाद सिटी का नाम यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आता है यहाँ पर पिन कोड तो आपका पिन कोड यहाँ पर पूरा लिख देना है मैं यहाँ पर क्रॉस मैक रख दिया हूँ यूट्यूब का टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टेट तो आपका स्टेट जो भी है यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आता है यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे डाल दे नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर दे देना है आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर को आप अपना इस अकाउंट के साथ रजिस्टर करके रखे हो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ तो आपका जो जन्म तिथि है इसी फॉर्मेट में पूरा यहाँ पे लिख देना है जैसे कि पहले आपका जो तारीख़ है वो डालेंगे उसके बाद आपका मंथ डालेंगे उसके बाद आपका जन्म ईयर यानी साल यहाँ पे डाल देंगे नेक्स्ट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे है पैन नंबर तो आपका जो पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पे पूरा डाल देना है ये नंबर आपको पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो तो उस नंबर को यहाँ पे डाल देना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी यहाँ पे उपाय दिया गया है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉर्म सिक्सटी या फिर सिक्सटी वन फिलअप करना है तो ये फॉर्म आपको बैंक में मिल जाएगा वहाँ से लेके आप इसे फिलअप करके इस फॉर्म के साथ जमा करना है लेकिन हमारे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं तो यहाँ पे फॉर्म सिक्सटी का जरूरत नहीं पड़ेगा उसके बाद आता है यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस अगर आपके पास ई मेल है तो यहाँ पर ई मेल डाल सकते हैं अदरवाइज इसको आप खाली सोच सकते हैं यह कंपलसरी नहीं है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पर टिक लगा देना है उसके बाद आप यहाँ यहाँ पे देख सकते हो ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हो तो अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे बिजनेस मैन लिख सकते हो टीचर हो टीचर लिख सकते हो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट लिख सकते हो तो आप जो भी काम करते हो उसको यहाँ पर डाल देना है नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो काउंट्री ऑफ रेसीडेंस तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है उसके बाद यहाँ पर आता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड तो यहाँ पे के करने के लिए आपको दो तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है एक है आपका एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट और दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हो तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो आपका जो इनकम है उसका मेन ज़रिया क्या है तो मैं यहाँ पे टीचर लिख दिया हूँ तो मेरा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी होगा अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका यहाँ पे बिज़नेस पे टिक लगा देना है अगर आप फार्मर हो कृषक हो तो आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे टिक लगा देना है उसके बाद आता है एनुअल इनकम तो आपका सालाना कितना आय है यानी इनकम है उसको यहाँ पे डाल देना है एक बात दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट तो लिख ही देना है उसके बाद आपका जो ये मेजर इनकम वगैरह ये जो पोर्शन है इसको खाली सो सकते हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो आपका तो इनकम है ही नहीं तो आप इसको पूरा खाली सो सकते हो नेक्स्ट आप नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिर से पूरा लिख देना है मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क रख दिया हूँ कुछ यूट्यूब का कंडीशन के वजह से तो आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे आपका जो सिग्नेचर है यानी जिसका नाम पे ये खाता है उसका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापी चिपका देना है जो कि आपका छः महीने से, से ज़्यादा पुराना फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए तो नेक्स्ट थोड़ा सा आप नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये आपका काम नहीं है ये बैंक वालों का काम है वो लोग इसे फिल कर लेंगे तो गाइस ये फॉर्म फिलअप हो गया उसके बाद आपको करना क्या होगा यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स डाले हो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों का जेरोक्स कॉपी लेके जाएंगे और आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का कॉपी यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे कई कई बैंक में यहाँ पे पासबुक का जेरोक्स कॉपी नहीं मांगता है लेकिन आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी और ये फॉर्म लेके आपको सबमिट कर देना है उसके बाद आपका जो, है, जो के है चौबीस या अड़तालीस घंटा के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आप फिर से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो तो बैस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय